हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2023। दोस्तों लुधियाना मंडी में मैं इस समय हूँ और सुबह के बज रहे हैं 9। और दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ दोस्तों की लुधियाना मंडी जो सब्जी का बाजार क्या बना हुआ है। दोस्तों वीडियो बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों देखें, लौकी है जिसको पंजाब में घिया बोलते हैं, और लौकी भी आज जो लुधियाना मंडी में 40 रुपये किलो केजी के हिसाब से मिल रहा है, 200 का 5 किलो है ये लौकी। तो दोस्तों ये देखे हैं भिंडी, और आज भिंडी का जो बाजार लुधियाना मंडी में, भैया भिंडी क्या भाव है? 40 रुपये। 40 रुपये किलो। दोस्तों जो लुधियाना मंडी में जो भिंडी 15 से 20 रुपये किलो हुआ करता था, और आज है सोमवार और 10 जुलाई 2023। जो आज भिंडी का बाजार देखिए आप, 200 रुपये का 5 किलो और 40 रुपये किलो के हिसाब से ये भिंडी आज मंडी मिल रहा है। आइए देखिए शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च का आज बाजार लुधियाना मंडी में क्या है देखिए, 160 रुपये किलो। दोस्तों ये पहली बार लुधियाना में 160 रुपये किलो के हिसाब से शिमला मिर्च बिक रहा है। ये देखो ये शिमला मिर्च लिखा पड़ा है और 160 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। लाल भैया शिमला मिर्च क्या डाले? दोस्तों ये बोल रहे हैं दुकानदार 160 रुपये किलो पर केजी हिसाब दोस्तों बिक रहा है, और बाजार में आज शिमला मिर्च लुधियाना में आज कम से कम 200 रुपये किलो मिलने वाला है। तो गाइस ये देखें अरबी है, अरबी यहाँ मंडी में 60 रुपये किलो के हिसाब से आज मिल रहा है। और दोस्तों ये टिंडा जो पंजाब का फेमस टिंडा है, टिंडा की सब्ज़ी पंजाब में बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यास से इसको ले जाते घर में, इसको बनाते हैं और बहुत ही फेमस है पंजाब में टिंडा। तो ये कहते हो गाइस ये टिंडा है, टिंडा पंजाब में आपको बता दें दोस्तों आज का जो रेट है टिंडा का, तो गाइस 100 रुपये किलो के हिसाब से टिंडा दोस्तों थोक भाव में यहाँ मंडी में टिंडा बिक रहा है 100 रुपये के जी दोस्तों, जो कि 20-25 रुपये के जी हुआ करता है, लेकिन बरसात के कारण दोस्तों आज सब्जी मंडी लुधियाना में 100 रुपये किलो के हिसाब से एक टिंडा का रेट आज है।